हर पर नमस्ते, मैं हूं चंद्र कुमार। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग कराने वाला हूं 100 इम्पोर्टेंट जीके, जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ और आपको फटाफट 100 इम्पोर्टेंट जीके जो की पूछे जाते एग्जाम में अक्सर वो करवाता हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी आंखें जो होती है किस स्तनधारी प्राणी की होती है? आपको सही जवाब देना है हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? सही जवाब हो जाएगा विद्युत। विद्युत क्षेत्र में अभ्रक का उपयोग जो होता है कच्चे माल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? कई बार क्वेश्चन आता है, विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है वो दाब अधिक होता है, इसलिए उसका नाम भी देखिए प्रेशर कुकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पे क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पे जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? तो आपको सही जवाब बता दूं, तो दाब अगर बढ़ता है तो क्वथनांक भी है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है जिसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है? सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर या तांबा जो का जो शत्रु होता है वो कौन होता है? तांबा या कॉपर का जो शत्रु होता है वो गंधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उगते व डूबते सूर्य लाल क्यों प्रतीक होता है? उगता या डूबता सूर्य जो होता है लाल प्रतीक होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल आता है आपके सामने। कार, ट्रकों और बसों के ड्राइवर के सीट बेल्ट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कार, बस या ट्रक में जो दर्पण लगा होता है साइड देखने के लिए साइड मिरर, वो कौन सा दर्पण होता है? तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनके धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु अधातु दोनों गुण पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम कहेंगे उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम रेडियो के घुंडे घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसा क्यों संभव हो पाता है? ऐसा इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि अनुनाद के कारण हम ऐसा कर पाते हैं, चैनल चेंज कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो आपको बता दें, बेंचुरी मीटर से जल का प्रवाह मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहे पे पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक हो ने के कारण जो दाब होता है वो घट जाता है, इस वजह से फुहारे पे जो बॉल होता है वो नाचते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ जाए और वर्तमान त्रिज्या के आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? तो दिन जो है 24 घंटे का ना होकर 12 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा उस वस्तु के साथ? अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की वेग से फेंक देंगे तो वह पृथ्वी पर लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दूं, जो अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं वो होती है स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जो है 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक आपको बता दूं, दाब का जो मात्रक है वो है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पे क्या फर्क पड़ता है? यानी कि झरने से, अगर झरने की ऊंचाई से कोई जल गिरता है तो उसका ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब हो जाता है उसका ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक क्या होता है?
तो 0 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से की गई है? सही जवाब हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो आपको बता दें सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो ताप कमरे के ताप पे क्या असर पड़ेगा? तो आपको बता दूं कमरे का तापमान जो है ऐसे बढ़ जाएगा। अगर आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम फ्रिज का ढक्कन खोलेंगे कमरा ठंडा हो जाएगा, तो आपकी गलत सोच है। ऐसे में तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है कमरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? आप लोगों को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? आपको बता दो पाराध्वनिक विमानों की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है? तो आपको बता दो भू स्थित उपग्रह जो होती है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपको बता दें हिप्पोक्रेटस जो साइंटिस्ट थे उनकी शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार के रेडिएटर का मेन कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि से पीड़ित जो वस्तु होगी उसको निकट की वस्तु जो होगी वो दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो ये कौन सा लेंस हो सकता है? तो बड़े आकार का जो दिखाता है उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस से अक्षर छोटा दिखाई देता है तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कोई वस्तु देखेंगे तो वो अवतल लेंस से कोई वस्तु देखेंगे तो वो छोटी होगी और उत्तल से देखेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है वो शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ जल में भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीक होती है तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा डायरेक्टर। रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंग के परावर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम के से बल की परिभाषा निकलती है। ये बात सही है बिल्कुल। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आपको बता दो वो जड़त्व का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेंसर जो होता है विकिरण का अद्वितीय उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हर्ट्ज या लघु तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? यानी कि मीथेन जो है
कौन से ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में मिथेन उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचक में कौन सा एंजाइम सहायक है? सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन देश में जहां लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं और लोग पीड़ित होते हैं, ये कौन से रोग होता है? बेरी 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 रोग होता है, पॉलिश किया हुआ चावल खाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र हो जाने के कारण थकान होता है? सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा फाइरोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी हो जाती है? सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को फोकस अवतल पर पड़ता है और उसकी तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे हम जिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेबरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेबरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्व के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग कर बनाया गया तत्व पदार्थ क्या कहलाता है? वो यौगिक होता है। अगर दो निश्चित मात्रा में कोई पदार्थ मिला हो तो वो यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? वो एक डॉपलर प्रभाव होता है। कोई ध्वनि बढ़ रही है घट रही है उसको, कोई कण एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि दाब को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बता दूं कि ध्वनि के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आपको बता दो, प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पार्षक की इकाई है, पार्षक जो है दूरी की इकाई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रकाश वर्ष बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? जी हाँ, शीशा जो है धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो आपको बता दो, ग्रेफाइट या आयोडीन जो अधातु होता है लेकिन इसमें धातु ही चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बराबर अनुभरे हुए हैं। अगर गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस है वो तेजी से बाहर निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन हल्की गैस होती है वो सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद ही ऑक्सीजन निकलेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पे नाचते क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृथ्वी सॉरी पृष्ठ तनाव की वजह से नाचते हैं। नेक्स्ट, कारण पानी का घनत्व अधिक होता है, पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काट लगाते हैं तो उनका वेग जो होगा एक ही समान होगा। जब भी एक कक्ष में चक्कर लगाएंगे, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के पैकेट को छोड़ दिया जाता है, उपग्रह के साथ उसी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा अगर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उपग्रह को उसी स्पीड में छोड़ा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया जो है यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रस्तावना का गुणांक कैसा मात्र क्या होता है? यंग प्रस्तावना का गुणांक कैसा मात्र जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला का मात्रक, ज्योति तीव्रता, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के ग्रुप डी एन टीपीसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल एक यौगिक है क्योंकि इसकी रासायनिक बंध जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दो भिन्न तत्व के होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। फाइकोलॉजी का अध्ययन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा शैवाल। जो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया? 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि चमगादड़ प्रसव तरंगों को उत्पन्न करता है। तो अभी आज के लिए वीडियो में सिर्फ 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में इस वीडियो के काफी सारे क्वेश्चन टकराने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।